अब देखो ये वाला जो पेच है नीचे वाला, ये जो स्क्रू है ये पोजीशन रोकने के लिए, ये वाली पोजीशन रुक जाएगी और फिर ऐसे करके ये चेंज हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन चैनल। दोस्तों थंबनेल देख के तो पता चले गया होगा कि आज हम ये वाली वॉच के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इम्प्रेसिव सी चीज़ है। इसके यहाँ पे वॉच है इस तरफ और यहाँ पे थर्मोमीटर है, और ये आप किसी भी बाइक में लगा सकते हैं, आपकी रॉयल एनफील्ड हो या कोई भी बाइक हो, या फिर कोई सी भी ऐसी चीज़ है उसमें हैंडल लगता है। अगर आपके कार में हैंडल लगता है तो आप कार में भी लगा सकते हैं। काफ़ी इम्प्रेसिव सा प्रोडक्ट है। अफसोस ये है कि ये अभी kingindian.in पे है नहीं, क्योंकि ये मैंने एक साइट से मंगाया है। मेरे को अच्छा लग रहा था कि एक छोटा सा गैजेट है और इतना खूबसूरत सी ये चीज़ है, तो मैंने सोचा कि इसको kingindian.in पर रखें, बट हमें कोई ऐसा मिल नहीं पाया जो उसको बनाए और बना के दे सके, क्योंकि ये इंडियन मेड चीज़ नहीं है, ये बाहर की है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, काफ़ी सस्ती है। जिन लोगों को बाहर से ख़रीदना है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूँगा, अगर चाहें तो देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी अमेजिंग है। ये क्या है, क्या काम करता है, वो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चलो तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखो बॉक्स की मैं वैसे तारीफ करता नहीं, लेकिन जो बॉक्स है इनका थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। ये देखो कैसा सा इन्होंने विंडो बना रखी है, जो ग्लास वाली विंडोज़ होती है ना, जैसे कि हम घर में देखते हैं या होटल्स में देखते हैं। तो मतलब एक अजीब सी एक चीज़, एक अच्छी सी चीज़। अब खोलते हैं इसको और देखते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले हमें मिलता है ये कप, जो कप आपने देखा लगा हुआ मेरी बाइक में। ये CNC मेड है, एल्युमिनियम है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और CNC मेड मुझे पता है चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं, ये एक ब्लॉक से बनती हैं। मतलब ये बनाने के लिए ना एक इतना बड़ा टुकड़ा यूज़ किया गया है, मशीन में डाला। और CNC जो मशीन होती है वो ड्रिल बिट जैसी, उसके अंदर एक बिट होती है, वो जहाँ पे उसको कंप्यूटराइज परमिशन मिली होती है ना, वहाँ पर जाके वो घिस देती है और कोई भी आकार निकाल के, कोई भी ऐसी सी जो फिगर होती है वो निकाल के आपको दे देती है। ये सिंगल ब्रिक से बने होते हैं और वेल मेड होते हैं। फिनिशिंग देखो कितनी सॉलिड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट में हमें मिलता है एक हैंडल बार क्लैंप माउंट, खोल सकते हो। माउंट ये तब बनेगा जब ये इससे मिल जाएगा, ये आपके हैंडल में ऐसे करके फिट हो जाएगा। ये भी CNC मेड ही है, काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और ये भी एल्यूमिनियम है, मेटल है। मेरे को मेटल की चीज़ें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि लाइफ लॉन्ग होती हैं। प्लास्टिक क्या होता है कि प्लास्टिक के साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि स्टार्टिंग में तो अच्छा दिखता है, बाद में बुरा हो जाता है, कलर फेड होने लग जाता है, हार्ड हो जाता है, टूट जाता है। और प्लास्टिक तो यार प्लास्टिक ही होता है। और फिर निकल के आती है हमारे पास ये चीज़, इसको देखेंगे सबसे लास्ट में कि ये है क्या। अब आते हैं हमारे पास में इसकी कुछ एक्सेसरीज। वो क्या है, ये एक बैंड है। ये बैंड आपको वैसे ही लगाना है जैसे मैंने मोबाइल होल्डर का बताया था आप लोगों को, कि ऐसे करके आपको ये बैंड इसके अंदर लगा के अपने हैंडल के अंदर लगाना है, ऐसे करके। तो उससे क्या होगा कि हिलेगा नहीं और टाइट रहेगा। अब जैसे ये पार्ट्स वगैरह तो हमारे पास हैं, अब भाई इसको लगाएंगे कैसे, लगेगा कैसे ये। और ये जैसे मैं इसके अंदर पेच देख रहा हूँ, ये छोटे छोटे से पेच हैं हैक्स की वाले, ये एलंकी वाले। तो ये वाली एलंकी तो मेरे पास है नहीं, उसके साथ में ये लोग दे देते हैं। एक आपको बड़ी एलंकी मिल जाती है, ये आपको दो बड़े बड़े नट, मैं बताता हूँ कि ये कहाँ लगते हैं। ये बड़े बड़े बोल्ट जाएंगे आपके इसके अंदर और ये इसके अंदर जाके हो जाएगा टाइट। ठीक है, अभी देखते हैं वो कि हम इसको कैसे टाइट करेंगे हैंडल में लगा के। अब देखते हैं हमारे पास में इस पैकेट में क्या था। तो यही है वो मेन चीज़। सबसे पहले देखते हैं जो इस वीडियो की स्पेशल चीज़ है, वो है थर्मोमीटर। और ये थर्मोमीटर दिखता है कुछ ऐसा, मतलब फिनिशिंग वाइज काफ़ी अच्छा है। ये ब्लैक क्रोम है, इसके साइड में अंदर से भी ब्लैक है, और जो उनका लोगो है वो डायमंड वाला वो रहा। पीछे से कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको कॉइन की तरह, और ये फ़ारेनहाइट के अंदर आपको बताएगा और सेल्सियस में बताएगा। फ़ारेनहाइट नीचे वाले हैं, सेल्सियस ऊपर वाले हैं। अब दूसरे वाले पैकेट के अंदर जो निकलता है वो है ये वाली वॉच। तो जैसे आपके पास कोई सी भी बाइक है, उसके अंदर अगर डिजिटल मीटर नहीं है, या फिर कंपनी ने डिजिटल मीटर तो दिया है लेकिन वॉच नहीं दी, और आपको थोड़ा सा लग्जरियस लुक चाहिए, थोड़ा सा क्लासी लुक चाहिए, तो आप ये लगा सकते हो अपनी बाइक में। अपनी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ के अंदर हैंडल हो वो आप उसके अंदर लगा सकते हो। तो थोड़ी सी अच्छी दिखने वाली एक्सेसरी है ये। अभी 5 बजने में है 5 मिनट इसमें भी यही टाइम हो रहा है, तो टाइम जो है बिल्कुल मैच है, आप देख सकते हो। फिलहाल ये है थर्मोमीटर, ये मैंने चेक किया था कैसे, एक गर्म पानी का गिलास लिया था, उसके नीचे इसको लगा दिया था तो ये बढ़ गया था। अब ये मेरे को दिखा रहा है कि मेरा जो सेल्सियस है वो 29 सेल्सियस है। अब पता नहीं कि कितना सेल्सियस हो रहा होगा, तो वो देखेंगे बाद में। सबसे पहले ये लेते हैं और ये लेते हैं, इन दोनों की बना लेते हैं असेंबली। असेंबली बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या है, ये क्या है। तो पहले समझ लो, कोई सी भी चीज़ को जोड़ने से पहले क्या होता है कि ये हैं इसके, मतलब जैसे आप घुमाओगे ना तो आपको एक स्टैटिक सी फील आएगी कि हाँ यहाँ पर रुक गया। तो ये वो वाले इसके होल्स बने हुए हैं। अब इसको माउंट करने के लिए क्या होगा कि मैं ये वाला यहाँ से स्क्रू खोलूँगा और ये वाला स्क्रू खोलूँगा और इसको इसके अंदर मैं डाल दूँगा। फिर इसको जैसे दिखाया गया है और जैसे बताया गया है उस हिसाब से मैं इसको टाइट कर दूंगा। इनको हमें पूरे अच्छे से टाइट करना है, इसको भी और उसको भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई बाद में खोल ले। तो अच्छे से इसको मैं टाइट कर देता हूं। जैसे आप चाहते हो कि मैं इसको रोकूं तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा टाइट कर देंगे अगर, तो ये आपका क्लिप वाला काम करेगा। देखो ये आपको इसके अंदर चेंज होने की आवाज़ आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी पोजीशन पे हैं। अब क्या होता है, हमारे पास है इसके अंदर दो डिवाइस, एक है थर्मोमीटर और एक है वॉच। तो सबसे पहले जो मेरे को पसंद है वो है थर्मोमीटर। मैं थर्मोमीटर को इसके अंदर इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं है, हमें देखना है कि पाइप अगर हमारा ऐसे है बाइक का और मेरे को थर्मोमीटर देखना होगा, तो ये मैं कैसे लगाऊंगा? ये मैं ऐसे लगाऊंगा, ऑब्वियस है। इसको लगाने के लिए कि ये गिरे ना, सबसे पहले ये वाली एक टेप आती है, डबल टेप जिसको बोलते हैं, ये मेरे को ऐसे करके हटा लेनी है और मेरे को ये इसके अंदर ऐसे करके का देनी है। That's it, बस इतना सही काम है। तो इससे क्या होगा कि एक जो सेफ्टी लेवल है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि भाई एकदम से ही नहीं गिरेगा, क्योंकि आपने ख़रीदा यार डिवाइस। अब क्या करना है, मेरा पाइप ऐसे लगा हुआ है, मेरे को ये बिल्कुल सीधा लगाना है, तो मैं इसको बिल्कुल सीधा देखूंगा, ऐसे करके इसकी अलाइनमेंट मिलाऊंगा और इसको इसके अंदर साइड से, बीच में से नहीं दबाना, साइड से ऐसे करके इसको मैं कर दूँगा प्रेस, और ये बन गया मेरा थर्मोमीटर मेरी बाइक के लिए। तो दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब लगने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। अब दूसरी साइड हमें वॉच चाहिए इसके, तो हम इसको ऐसे करके चेंज करेंगे और दोबारा से वही वाला प्रोसेस रिपीट कर देंगे। दोबारा से मैंने वो टेप लगाई और मैं अपनी वॉच को बिल्कुल सीधा रख के इस वाले क्लैम्प के अंदर इसको साइड से ऐसे करके दबा दूंगा। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको ये एक स्क्रू दिख रहा है, ये दो स्क्रू जो है ये क्या है, जब आप ये ऐसे करके इसके अंदर लगा देते हैं ना, तो अब क्या होगा कि टेप लगी हुई है, टेप के अंदर हम पूरा भरोसा तो कर नहीं सकते, हमें ये वाली की लेनी है और इस की से इस वाले स्क्रू को हमें करना टाइट, जिससे कि हमारा जो डिवाइस हमने लगाया है वो चाहे थर्मोमीटर है या फिर वॉच है वो अच्छे से टाइट हो जाए। जैसे ही आप ये दोनों स्क्रूज टाइट करेंगे फिर ये कहीं नहीं जाएगा, इसको अब कुछ नहीं हो सकता, ये अब आपकी बाइक में लगेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा जैसे आपने अभी देखा। अब देखते हैं कि इसको बाइक में कैसे लगाएं। अब मैं इसको लगा तो रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता है वीडियो में कुछ मेरे भाई बोलेंगे भाई बाइक इतनी गंदी क्यों है, तो यार बरसातें हैं, बारिशें चल रही हैं, अब बारिशों में कौन बाइक को साफ़ करवाएगा। और आप अगर बाइक साफ़ करवाओ, वॉशिंग करवाओ, सब कुछ पॉलिश वॉलिश सब कुछ करवाओ, अच्छे से पैसा लगाओ, फिर 2 मिनट बाद बारिश आ जाएगी, फिर सब कुछ खराब, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। फिलहाल देखते हैं कि ये कैसे लगाएँ। अब इस प्यारी सी चीज़ को बाइक में लगाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि मेरे साथ में एक बात है कि मेरे को शौक हर चीज़ का है, अब चाहे वो छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी चीज़ हो। तो जैसे हैंडल बार है मेरा, अगर आपने इस वाले स्विच का वीडियो नहीं देखा तो देखना, ये भी बहुत अमेजिंग सी चीज़ है। तो हैंडल बार एक्सेसरीज भी होती हैं काफ़ी सारी, बट लोग उनको ना भूल जाते हैं। अब बात क्या है, बात वही है कि भाई ये बनाए बाहर की बाइक्स के लिए, और भाई बाहर की जो बाइक्स होती है उनके जो हैंडल होता है उसका साइज़ होता है ज़्यादा, तो हमें इसके अंदर लगाना पड़ेगा ये वाला रबड़। ये वाला रबड़ मैं इसके अंदर ऐसे करके माउंट कर देता हूँ अपने हैंडल से। जब हाथ से टाइट हो जाए उसके बाद में आपके पास ये एलेंकी होती है, इसको अपने स्क्रूज में लगा के जितना हो सके अच्छे से टाइट कर दो। ज़रूरत से ज़्यादा भी मत करना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि आप बिल्कुल जान लगा के इसमें टाइट कर रहे हो। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करते, इतना करते हैं कि हाँ जी बस अपना काम बन जाए और हमारी चीज़ को कोई नुकसान भी ना पहुँचे। तो ऐसी चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि एल्युमिनियम की होती है, मेटल की होती है, तो टूटने का कोई ख़तरा होता नहीं है। आप इनको टाइट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो काफ़ी ज़्यादातर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इनको टाइट कर कर के ही ख़राब कर दो, ऐसा भी मत करना। अब देखो ये वाला जो पेच है नीचे वाला, ये जो स्क्रू है, ये पोजीशन रोकने के लिए है। ये वाली पोजीशन रुक जाएगी और फिर ऐसे करके ये चेंज हो जाएगा। आपको उसको जितना टाइट करना है आप उतना टाइट कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए ये प्रोडक्ट था, काफ़ी अच्छा लगेगा। थर्मोमीटर मैंने लगाया अपनी बाइक में। मैंने तो जहाँ लगाया वो दिखाने के लिए लगाया कि ऐसे लगा सकते हैं आप इसको, अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी एडजस्ट कर सकते हो। ये दो कीज़ हैं इसके साथ में, और ये रात को रेडियम की तरह चमकता है। तो जैसे धूप में बाइक खड़ी होती है, रात को आप निकलो तो वो चमकेगा ग्रीन कलर का। लास्ट पॉइंट है मेरा जो सब लोगों के जहन में यानी कि दिमाग में आएगा कि भाई ये वाटर प्रूफ है, तो दोस्तों मैक्सिमम कंपनीज़ जो हैंडल बार से रिलेटेड या ओपन चीज़ों से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाती है ना, वो ऑलमोस्ट वाटर प्रूफ होते हैं या वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं बेवकूफ़ तो होगी नहीं कि आपको हैंडल बार पे माउंट करने वाली चीज़ को वो वाटर प्रूफ ना दे। तो मैं इस चीज़ के अंदर कंफर्म नहीं हूँ। मैं जो लिंक दूंगा उसके अंदर एक बार ही पढ़ लेना अगर आपको मंगाना हो तो चलो इसी के साथ एक और एपिसोड ख़त्म। बाय बाय, टेक केयर। छोटों को प्यार दो, बड़ों की इज्जत करो और लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। जो अच्छी लड़कियाँ उनकी ज़रूर केयर करो। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।